दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके रहस्य के बारे में आज तक न कोई जान पाया है, ना ही कोई समझ पाया है। ऐसे ही एक रहस्यमय इंसान 19वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ करता था, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके दो चेहरे थे, एक आगे और एक पीछे। यह दुनिया का इकलौता ऐसा शख्स था जिसके एक नहीं दो चेहरे थे। दो चेहरे वाले इस शख्स का नाम एडवर्ड मोरड्राके था। कहते हैं कि एडवर्ड का दूसरा चेहरा सक्रिय अवस्था में नहीं था, लेकिन जैसे ही वह सोने की कोशिश करते थे, उनका दूसरा चेहरा जाग जाता था और रात भर फुसफुसाता रहता था। साल 1985 में बोस्टन पोस्ट में एक लेख छापा था जिसमें एडवर्ड का जिक्र किया गया था। उसमें लिखा था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनकी वजह से वह कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। कहा जाता है कि एडवर्ड अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी गए थे, लेकिन उस वक्त इस तकनीक का विकसित नहीं था, इसलिए इलाज संभव ना हो सका। हालांकि कहा गया है कि डॉक्टरों ने उनका इलाज करने से साफ मना कर दिया था। कहते हैं कि एडवर्ड के सिर के पीछे वाला चेहरा एक लड़की का था, जिसकी आंखें तो थी लेकिन वह देख नहीं सकती थी। इसके अलावा उस चेहरे का मुंह भी था, लेकिन वह खा नहीं सकता था और ना ही जोर से बोल पाता था, बस फुसफुसाता ही रहता था, और वह भी नर्क के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड जब खुश होते थे तो उनके दूसरे चेहरे को यह बर्दाश्त नहीं होता था और उनका उपहास करता था। इसके अलावा जब वे रोते थे तो उनका दूसरा चेहरा मुस्कुराता था। कहते हैं कि एडवर्ड ने अपने दूसरे चेहरे से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उस वक्त उनकी महज उम्र 37 साल की थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।